भोपाल लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन यहां प्रत्याशियों ने खर्च का जो ब्यौरा पेश किया है वो दिलचस्प है। आखिर किसने कितना और क्या ब्यौरा पेश किया है, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भोपाल लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन इस सीट पर प्रत्याशियों ने जो खर्च का ब्यौरा दिया वो भी काफी चर्चा में है। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने चुनाव में सबसे ज्यादा 53 लाख रुपए खर्च किए। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का खर्च भी शामिल है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव हैं। उन्होंने कुल 22.73 लाख रुपए खर्च किए। हालांकि 13 कैंडिडेट ऐसे भी रहे हैं जिनका कुल चुनावी खर्च 1% भी नहीं हुआ। वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 95 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। एक निर्दलीय कैंडिडेट राजेश कीर ने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। भोपाल लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। 7 मई को वोटिंग हुई और 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से पहले उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च की जानकारी भी जिला प्रशासन को दी है और सबसे ज्यादा खर्च करने में बीजेपी के शर्मा आगे रहे। खर्च के मामले में आलोक शर्मा अन्य कैंडिडेट से शुरुआत से ही नंबर 1 पर हैं। पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को भोपाल में रोड शो किया था, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो और सभाएं भी वहां हुई, इनका खर्च भी जोड़ा गया। दूसरी ओर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव के पक्ष में भोपाल में एक भी बड़े नेता की सभा नहीं हुई, इस वजह से आलोक के मुकाबले उनका खर्च आधा भी नहीं रहा। ब्यूरो